बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मिस्टर विजय, आपने अपनी इस किताब में जानवरों के बारे में जिस खूबसूरती से बयान किया है, इंसानी हमदर्दी जगाई है, वो काबिल-ए-तारीफ है। आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि आप ऐसी स्कीम पेश करें ताकि इन जंगल के जानवरों को बचाया जा सके। इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस काम के काबिल समझा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार ने जंगल के कुछ इलाकों को नेशनल पार्क बनाने का तय किया है और इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। तो क्या मैं इन इलाकों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट बना सकता हूँ? वेरी गुड, थैंक यू सर। सरकार आपसे यही उम्मीद करती है। आपको एक सरकारी ऑफिसर की हैसियत से जानवरों पर अत्याचार करने वालों को रोकने का पूरा अधिकार दिया जाता है। ये कैसी है सरसब्ज मखमल की वादी, जहां सांस ले जिंदगी में आजादी। ये हंसते हुए काफिले जिंदगी के सुबह शाम करते हैं खुशियों से शादी। खुदाई की दौलत की रंगी नुमाइश कहीं से बेहतर नहीं है। जन्नत कहाँ है जिसे शायरों ने, यही है यही है यही है। जुदा ना करो चलती सांसें जिस्म से, जुदा ना करो चलती सांसें जिस्म से। हर सांस चलती अमानत खुदा की, खुदा सांस लेता है हर जिंदगी में। हर एक जिंदगी है जमानत खुदा की, जुदा ना करो चलती सांसें जिस्म से। Thank you.
बने बेजुबान गोलियों के निशाने, ये क्यों बेकसों पे जुल्म हो रहा है, खुदा ही मुहाफिज रहा जिंदगी का, वो इंसान के हाथों कत्ल हो रहा है, कोई फिर मसीहा बने सर उठाए, करे सर उठा के हिफाजत खुदा की, खुदा सांस लेता है हर जिंदगी में, हर एक जिंदगी है जमानत खुदा की, जुदा ना करो चलते सांस किस्म से। हेलो योर मजेस्टी, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, ये रहा तुम्हारा भांजा। ओए, चलो अपने मामा से प्यार करो। कहाँ इसका डैडी? तुम तो जानते हो भैया, वो तो अपने जंगल की दुनिया में मगन रहते हैं। ओह, विजय एंड हिज एनिमल, ही इज मैडली इन लव विद वाइल्ड लाइफ। तुमसे भी तो प्यार करता है। लो आ गया। चलो इन्हीं जानवरों से फुर्सत तो मिली। ओए कैसे हो तुम? जब भी आता हूँ तुम जंगल में घुसे रहते हो। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ भाई बैठो यार, चाय पियेंगे। और सुनाओ, क्यों है साले, क्या हाल है तेरा? अबे बहन देखे साला बोलता है साले। यार विजय, तेरी किताब के तो बहुत चर्चे हैं दुनिया में। अजीत, ये किताब नहीं, ये मेरी तपस्या है। देखो अजीत, भगवान ने कितने प्यार से इन्हें बनाया है, ये हमारी धरती माँ का श्रृंगार है। प्यारों से मिलने की खुशी और बिछड़ने का दर्द इन्हें भी होता है। इनके बच्चों को भी माँ का दूध चाहिए, ममता चाहिए। ये प्राणी भी उसी भगवान के बनाए हुए हैं जिसने हमें पैदा किया है। हमें इनसे अजीम इसलिए बनाया है ताकि हम इन पर रहम करें। ये दिलकश दुनिया हमारे पास भगवान की सौंपी हुई अमानत है जिसे हमें आने वाली नस्लों के हवाले करना है। अगर ये प्राणी इसी तरह खत्म होते रहे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कोसा करेंगी कि हमें इस खुदा की बेनजीर दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दिया। आज इन प्राणियों को हमें ऐसे लोगों से बचाना है। ये तो तुम इंसानियत का बहुत बड़ा फर्ज अदा कर रहे हो। बोलो मैं तुम्हारी इस मिशन में क्या मदद कर सकता हूँ? अजीत, मेरी एक दिली ख्वाहिश है, बस तू गेम वार्डन की डिग्री लेकर मेरा साथी बन जा। तेरी हिम्मत और जवान मर्दी के सहारे मैं इस परचम को और भी ऊंचा लहराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पाप इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए ताकि ये प्राणी भी अपनी इस दुनिया में आबाद रह सके। विजय, इस नेक मिशन में तेरा यार हमेशा तेरा साथ देगा। अब हमारी अगली मुलाकात गेम वार्डन की डिग्री के साथ होगी। अजीत, ये वादा तुमने मुझसे नहीं इन यतीम बच्चों से किया। Come on, boss, come on.
उछल दो इन्हें। सूखा पड़ने की वजह से जानवर जहां पानी देखते इकट्ठे हो जाते, इससे अपना काम और आसान हो जाता है। बस साहब, अब के तो अपनी चांदी ही चांदी है, मगर वो गेम वार्डन है ना, बहुत टूट पटांग बातें कर रहा है। क्यों? कह रहा था जानवरों को बचाने की सरकार के लिए कुछ रिपोर्ट बना रहा। ऐसे आदमियों की जुबान बंद करना मुझे आता है। सैवेज कॉलिंग बजर्ड, कैन यू हियर मी? ओवर। लाउड एंड क्लियर। तुम्हारे सामने जो ग्रुप भाग रहा है उसमें दाएं तरफ वाला नंबर एक हमारा शिकार है। ओवर। तुम्हारे सामने जो तीसरे नंबर पर जीरा दौड़ रहा है वो किसी भी हालत में जाने ना पाए। सब ट्रकों को इतला कर दो कि जानवरों को लाकर कैंप की तरफ रवाना हो जाए। ओवर एंड आउट। जल्दी करो। बॉस, अभी अभी खबर आई है कि जिस गैंडे की हमें तलाश थी वो ट्रैप में आ गया है। चलो फैक्ट्री चलो। हेलो, आज आप बहुत खुश हैं? ओह यस। लगता है मिस्टर वॉटसन ने बहुत पैसा दिया आपको। ओह यस, वॉटसन इज अ नाइस सन ऑफ अ बिच, इज अ डैम गुड बास्टर्ड। उसने हमको बहुत पैसा दिया है। ड्रिंक। ये है जानवरों की लिस्ट। आपका सारा माल तैयार है, लेकिन इसकी शिपमेंट कब करोगे? हमारा शिप तैयार है, रात के अंधेरे में सारा माल आपको खुद पहुंचाना होगा। Oh yes, ये तो मेरे लिए मामूली बात है। मैं जाऊं फिर? Oh yes, you can, you Thank can, you can. जंगल की खाक छानने के बजाय पैसे लो और शहर में जाकर रहश करो। और फिर भी अगर आपको बाउंड्री खींचने का शौक है तो जिस इलाके में जानवर नहीं हो वहां लाइन मार दो। इस तरह आप भी खुश, आपकी सरकार भी खुश और हम भी खुश। मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन ये बंदूकें मासूम जानवरों पर चलना बंद हो जाएंगी। Oh, shut up! तुम शायद नोटों का रंग देखे बगैर काम नहीं करोगे। मेरा आदमी पैसे लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा है। बाय बाय अंजू। बाय। आपको हमारे मैसेज तो मिल ही चुके होंगे, और ये रहे पैसे। अब आप सरकार को रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे। मैं एक ऐसी रिपोर्ट पेश करूंगा कि आपके बाद तुम जैसे जालिम इंसान बेजुबान जानवरों की जान नहीं ले सकेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ, समझे? काश तुम जंगल की हसीन दुनिया से वाकिफ होते। मेरे बहन भाई विजय को तो तुम जानते ही हो। उसे वाइल्ड लाइफ से कितना प्यार है। विजय साला जब मेरे हाथ में ये डिग्री देखेगा ना तो खुशी से पागल हो जाएगा। हेलो।
सर। यस सर, उसने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है हमारा करोड़ों का बिजनेस खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट कब पेश कर रहा है सर? कल। पागल है साला। जहां हम हजारों जानवर मारते हैं वहां एक घटिया सा इंसान नहीं मार सकते। कहिए। तंदीर मेरा नाम है, मैं शिकारी हूँ और जानवर मारना मेरा पेशा है। और जानवरों को बचाना मेरा पेशा ही नहीं, मेरा ईमान भी है। मैं रिश्वत की रकम दुगनी लाया हूँ। तो मिस्टर रणबीर, आप चाहते हैं कि मैं आपका 20 लाख लेकर आपके दरिंदगी के जबड़े को मासूमों का खून पीने दूं? नहीं, तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं अपने हर जन्मदिन पर शेर मारता हूँ। बंदूक की ताकत बहादुरी नहीं बुजदिली है। गोली के बगैर आप शेर तो क्या गीदड़ का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ओह शट अप। जानवरों को मुझसे बचाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। जानवर खत्म करने वालों का दौर अब खत्म हो चुका रणबीर। कानून अब तुम जैसे दरिंदों को नहीं छोड़ेगा, समझे? तुझे मैं अपने रास्ते की हर अड़चन को खून की नदी में बहा देता हूं। धनबाद भी जानवरों को बचाने की रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा आखिरी सांस तक। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में जहां भी मैं जाती आपके दोस्त मेरा शानदार स्वागत करते।
शिकार वाला की बेटी, शिकार वाला की बेटी। अगर इसी तरह जानवर मिलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आधी दुनिया मेरे पांव के नीचे होगी। वाह क्या बात है, आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे जानवरों को मारने से रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, और फिर जानवर मारना तो एक फन है। सच डैडी, तो फिर मैं भी जाऊंगी। Oh, I simply love adventure. हाँ, इसमें क्या बात है, सैर भी हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, और इस बार तो रणबीर हेलीकॉप्टर में जा रहा है। ओ डैडी थैंक यू वेरी मच। अच्छा बी केयरफुल बेटी। बाय डैडी, लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय बाय सर। गुड लक। भयानक जंगल में एक दूसरे को कांटेक्ट कैसे करते हो? वायरलेस के जरिए। हमने अपने कोडवर्ड्स भी रखे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर का वल्चर और कार का सेवेज। वाह! ये देखो, ये हमारा कैंप है। इसे इन घने पेड़ों के बीच में इसलिए बनाया गया है ताकि कोई हवाबाज भी देख ना सके। इस दरिया के इस पार मेरा सिक्का चलता है। अच्छा, हम आबादी से बहुत दूर है। इन जानवरों से भरपूर जंगल में मैं अंधाधुंध गोलियां चलाता हूँ। यहाँ मेरे गुलामों के सिवाय कोई दूसरा इंसान पाँव भी नहीं रख सकता, और अगर रखे तो ब्यूटीफुल प्लेस, क्या खूबसूरत जगह है। कमाल शो ये। जस्ट बी केयरफुल। हाँ सर, नीचे रखिए। अरे ये लड़की कौन है? अरे अपने बॉस की ही लड़की है, अभी अभी पेरिस से आई है। हेलो मैडम, वेलकम वेलकम, इनसे मिलो, बहुत अच्छा लगेगा। हेलो यस सर। मिस लैला, शेरा की कोई खबर? जी नहीं। अच्छा जरा रेडियो कॉल पे चेक कीजिए। राइट अवे सर। Hi Laila, gift for you. तुम इसे हर रोज एक तोहफा क्यों देते हो? सर मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? सर धीरे धीरे करने लगेगी। सर वो मेरी लैला है और मैं उसका मजनू हूँ। लेकिन मजनू तो दुबला पतला आशिक था। साहब मैं दूध पीने वाला मजनू हूँ। Shut up, शेरा तुम्हें मालूम नहीं एक लड़की को छेड़ने की क्या सजा होती है? साहब 7 दिन से लेकर 7 साल तक। और तुम एक सरकारी मुलाजिम होते हुए भी ऐसी हरकतें करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अजीत का रेडियो कॉल था, तुम्हें वहां फौरन पहुंचना है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ शेरा, इसको क्या हुआ सर? लगता है किसी पोचर ने इसे मारने की कोशिश की। ओहो बेचारा बेचारा। अच्छा हो शेरा तुम आ गए, कल मैं विक्की को लेने जा रहा हूँ। अच्छा विक्की आ रहा है सर, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। हाँ शेरा, जब वो खुले जंगलों में आएगा खुशी से झूम उठेगा। अच्छा शेर मोहम्मद, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा साहब खुदा हाफिज। चलो अंकल सिंह का प्लेन आता होगा। क्या अंकल सिंह भी हमारे साथ रहते हैं मामा? नहीं बेटा, अंकल सिंह तो मार्सा बिट में हाथियों की गिनती कर रहे हैं। हम उन्हीं के ऊपर उड़ते हुए मार्सा बिट पहुंचेंगे, फिर अपनी गाड़ी से घर। चलो बेटा अंकल सिंह को हेलो बोलो। हेलो अंकल सिंह। हेलो विक्की, वेलकम होम। और उनसे कहो कि पेट्रोल चेक कर लें, हम ऊपर जाके धक्का नहीं मारने वाले। कम कम प्लीज कम। हाँ तुम्हें एक अजूबा दिखाएं, ये हजरत पैदा होने से पहले मार दिए गए। कहना जब मैंने इसकी मां को मारा तब ये पेट में था, और अब माँ बेटे दोनों की डमीज कैसे प्यार से पास पास खड़ी हैं। यू नो इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग, एब्सोल्युटली प्राइसलेस। बट आई विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम मिस्टर वॉटसन, आई एम गिविंग इट टू हिम एज अ गिफ्ट।
रहते थे? हाँ बेटे। उनकी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, वो तो जानवरों से प्यार करते थे। अपनी जान से भी ज्यादा। फिर किसी ने उन्हें क्यों मार डाला? काश यही पता होता। मामा क्या कोई नहीं बता सकता कि उन्हें किसने मारा? जिस दिन भी हथियारों से सामना हो गया, कसम है मेरी बहन की, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम इतने बड़े हो गए, ये तुम्हारा सिंह कैसे टूटा? हाँ समझ गया, बहुत शरारत करते होगे ना। मामा ये सब लोग मुझसे मिलने आए हैं। ये तुम्हें भूले नहीं, तुम इन्हें प्यार जो करते हो। हाँ आओ चले। वो देखो मामा, किसी ने गजल को गोली मार दी। बने बेजुबान गोलियों के निशाने, ये क्यों बेकसों पे जुल्म हो रहा है? खुदा ही मुहाफिज रहा जिंदगी का, वो इंसान के हाथों कत्ल हो रहा है। कोई फिर मसीहा बने सर उठाए, करे सर उठा के हिफाजत खुदा की। खुदा सांस लेता है हर जिंदगी में, हर एक जिंदगी है जमानत खुदा की। जुदा ना करो चलती सांस जिस्म से। कॉलिंग बजर्ड, कैन यू हियर मी? ओवर, लाउड एंड क्लियर। चीता तुम्हारे बाएं हाथ की झाड़ी में छुपा हुआ है, ओवर। तुम तो चीता को जंगली अफसर घर तरफ भगा रहे हो, उसे जाने दो और वापस आ जाओ। लेट्स क्लियर आउट। क्यों बेटे को मिलने आए हो? चलो बाय बाय। चलो 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 चलो। मामा ये सब जानवरों के बच्चे यहाँ क्यों लाए? विक्रम इनकी माएं बेरहम इंसानों के हाथों का शिकार हो चुके हैं, अगर मैंने यहाँ नहीं लाता तो बेचारे बेमौत मर जाते। अरे यार अब तेरी टांग कैसी है? मामा इस बेचारे को इसकी माँ के पास कब छोड़ोगे? बहुत जल्द। मामा मैं आज आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं इनके साथ खेलूंगा। ओके बेटा। अच्छा यार मैं तेरे लिए दूध लेके आता हूँ। मैडम एक गोली से एक तो क्या तीन तीन गिरा सकता हूँ। बॉस ये शिकार तो मेरा है, आप क्यों इस चूहे पर अपनी गोली खराब कर रहे हैं?
इसे मैं सीधा बिल का रास्ता दिखा देता। छोड़ यार, हम शेरों के शिकारी हैं, इस चूहे को क्या मारना। अबे ये तो सिर्फ एक नमूना है, अगर जिंदगी से प्यार ना हो तो आ जाना कभी हमारे मुकाम पर। क्या निशाना था बॉस का, हैट हवा में उड़ रही थी और वो बेचारा चूहे की तरह खड़ा देख रहा था। मैं तुम्हें एक जानवर की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं, अपने हाथ इसमें डाल दो। तो डाल दूं हाथ? हिम्मत है तो ले जाओ, वादा करता हूं हम में से कोई बीच में नहीं आएगा। अब तुम खुद इसे अपने हाथों से उठाओगे और पहनोगे। मिस्टर, जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, आइंदा किसी जानवर पर गोली मत चलाना, नहीं तो तुम्हारा यही हशर होगा। और बाकी रही मुझ पर गोली चलाने की बात, हेलो, डू यू हियर मी सर? ओवर। यस सचिन, लाउड एंड क्लियर, ओवर। सर, मैंने कुछ मुलजिम पकड़े हैं, आप शेरा को भेज दीजिए, ओवर। शेरा तो अभी शिकार चोरों से हाथी दांत का एक ट्रक पकड़कर लाया है, थका हुआ होगा और फिर आज उसकी ऑफ ड्यूटी भी है, ओवर। यस सर, मुझे पता है वो आज ऑफ ड्यूटी है, प्लीज। अगर तुम्हें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है तो कुछ आदमी और भेज दूं, ओवर। नो सर, अगर जरूरत पड़ी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओवर एंड आउट। अजीत का रेडियो कॉल था, उसने वहां कुछ मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, तुम्हें वहां फौरन पहुंचना है। साहब, वो जो मैं चीते का बच्चा शिकारियों से छिड़वा कर लाया हूं, उसका क्या करना है? वेल डन, तुम्हारी ऐसी बातों पर मुझे फख्र है, जाओ उसे अपनी दुनिया में वापस छोड़ दो। साहब, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी लैला को दिलो जान से चाहता हूं, मेरे बाद उसका ख्याल रखा कीजिए। चल, अपनी माँ के पास तेरा इंतजार करती होगी, भाग। ओके बेटा, बाय। उस जंगली ऑफिसर ने नाक में दम कर रखा है, जहां भी गोली की आवाज सुनता है न जाने कहां से बिजली की तरह वहां पहुंच जाता है और इस तरह हमारा मिशन नाकामयाब कर देता है।
जब तुम लाखों जानवर टक 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 मार लेते हो तो एक मामूली से इंसान को गोली से नहीं उड़ा सकते। मार तो दूं बॉस, लेकिन सैकड़ों टन हाथी दांत, शेर और चीतों के हजारों खाले और जानवरों की बेशुमार डमीज, इन सब के शिपमेंट के लिए परमिट पर इसके दस्तखत चाहिए। आइए। साला कुत्ते की औलाद। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ रानी। देखो तुम मां बनने वाली हो और इन दिनों में इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं। कम ऑन, बी ए गुड गर्ल, गो बैक। ये चाहती तो अभी आपको चीर फाड़ कर चिथड़े बना सकती है, लेकिन ये जानवर होकर भी प्यार समझती है और आप इंसान होते हुए भी वैसी है। यहां पर शिकार खेलना मना है और मैं इस जुर्म में आपको गिरफ्तार करता हूं। चलिए मेरे साथ। विकी, इन मेम साहब का जरा ख्याल रखना। आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है, जिसको मर्जी आई पकड़ लिया। आपने जरूर किसी जानवर को मारने की कोशिश की होगी, जानवर तो मामा की जान है। अरे जानवर तो पैदा ही गोली के लिए हुआ है। नहीं दीदी, आप इन्हें देख रही है, ये हमें इसलिए मिलने आते हैं क्योंकि हम इन्हें प्यार करते हैं। मौका लगे तो ये जानवर इंसान को कच्चा चबा जाए। नहीं दीदी, जानवर कभी इंसान पर वार नहीं करता, जब तक इंसान उस पर वार नहीं करता जानवर भी प्यार को समझता है। देखिए, अगर मेम साहब ज्यादा गड़बड़ नहीं करें और माफी मांगे तो इन्हें छोड़ देना, मैं राउंड मार के आता हूँ। अच्छा मामा, चलो मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। शेर बनेगा, दिल वाला जग में दलेर बनेगा,
बेजुबान बच्चों की तरह जिधर प्यार मिलता है उनके ही हो जाते हैं। विक्रम, तुम्हारी दुनिया इतनी न्यारी और प्यारी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितना अपनापन है इनकी और तुम्हारी दोस्ती में। विक्रम, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे मामा भी। सचमुच पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। विक्रम, तुम्हारे मामा मुझे माफ कर देंगे। विक्की, इनसे कह दो ये हमें पसंद है, बहुत पसंद है, और हमने इन्हें माफ ही कर दिया। रणवीर, आज तो वाकई कमाल हो गया। यूं समझ लो कि मुझे फिर से जिंदगी मिल गई। एक लेपट से सामना हो गया था। अच्छा? एन मौके पे वो गेम वार्डन ने आके बचा लिया। ओह वाह, बेमिसाल प्यार है रानी का। रानी कौन? रानी? रानी उसी लेपट का तो नाम है जिसने मेरी जान बख्श दी। अरे भाई, तब तो जगह पर मंदिर बनवा देना चाहिए। कौन सी जगह है? जहाँ सुबह तुम मेरी परवाह किए बिना मुझे मौत के मुंह में अकेले छोड़कर जानवरों की जान के पीछे पड़ गए थे, वहीं। अरे भाई, माना हम जानवरों की जान लेते हैं, लेकिन तुम पर तो जान देते हैं। हाँ, इसलिए तुम जैसे शिकारियों की डर से बेचारी दरक पर छुपी रहती है। आखिर माँ जो बनने वाली है। माँ बनने वाली? तुम तो मानी बनने वाली। पीछे देखिए, वो हमारा पीछा कर रहा है। लेट्स गो आउट, यहां से निकल चलो। जब तुम कानूनन जानवर नहीं मार सकते तो मारना बंद करो। वो मैं देख लूंगा, पहले तुम अपना मुंह बंद करो। मैंने तुम अपनी हरकतों से बाजी आते हो। ये चट्टान कितनी मजबूत है। बिल्कुल इन हाथों की तरह जिन्होंने गणपत को बंदी बनाया था। और तुम भी इन हाथों की गिरफ्त से नहीं बच सकते। तुम कुछ लोगों को बहकाकर उनसे जुल्म कराते हो, खुद साफ बच निकलते हो और सजा उनको भुगतनी पड़ती है। लेकिन याद रखो, तुम ज्यादा देर कानून के शिकंजे से नहीं बच सकोगे। कानून मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन अगर आप फिर भी कभी मुझे जानवर मारते देख ले, गिरफ्तार कर लेना। इससे ज्यादा कानून की मदद मैं क्या कर सकता हूं। जो तुम कर रहे हो ना, उसे रोकना मुझे खूब आता है।
अगर आज मौका मेरे हाथ से निकल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा, समझे? Come on darling, let's go. जब मैंने तुम्हें ये डमीज भेजने के लिए कहा था तो ये अभी तक यहां क्यों पड़ी हुई है, जबकि तुम जानते हो गेम वर्ड मुझे इन्हें पकड़ते देख चुका है। लेकिन सर, शट अप, बट आई वांट थिंग्स डन, आई वांट देम डन, एंड आई डोंट केयर अ डैम हाउ इट्स डन। टेल दैट सन ऑफ अ बिच वॉटसन, मैं सारी पोचिंग चोरी से करता हूं, कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं किसी जानवर की जान लूं। अगर उसे अपना माल वक्त पे चाहिए तो मुझे अपना माल वक्त पे चाहिए। आउट। चलो तुम इनसे मिलवा। नहीं अजीत, मुझे डर लगता है। अजीत। हेलो स्ट्रॉन्ग मैन। हाँ। ये बेपनाह ताकत के पहाड़ भी दोस्ती और प्यार के सामने झुकते हैं। अजीत, यू आर ग्रेट। ग्रेट तो ये है तुम्हारे होने वाले देवर। हेलो, मेरे होने वाले देवर। कितनी अनोखी दुनिया है ये अजीत, है ना? यही मेरा स्वर्ग है जो मेरी हर सांस में बसा हुआ है। मुझे इस दुनिया से प्यार सा होने लगा है। शायद ही कोई ऐसा बदनसीब होगा जिसे इस दुनिया से प्यार ना हो। अजीत, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये हकीकत देख रही हूँ। वो जो तुम्हारे सामने खूबसूरत दो सफेद ज़ेब्रे चल रहे हैं, वो अपनी नस्ल का दुनिया में आखिरी जोड़ा बचा है। अच्छा, हाउ सैड। वो देखो, इस इम्पाला के बच्चे को किसी ने घायल कर दिया था। मैंने इलाज करके इसकी माँ के पास छोड़ दिया। आज अपने भाई बंधुओं के साथ खुशी खुशी दोबारा जीने की कोशिश कर रहा है। अजीत, तुम्हारी ये दुनिया वाकई जन्नत है, और इस प्यारी दुनिया को कायम रखकर तुम एक नेक काम कर रहे हो। मेरे खुदा का कमाल, तू है मेरे खुदा का कमाल, तू है मेरे खुदा का कमाल, हुस्न तेरा और बढ़े, आड़ो रब खैर करे, आड़ो रब खैर करे। हुआ चाहत का पूरा सवाल, हुआ चाहत का पूरा सवाल, इश्क तेरा और बढ़े, तेरी नशे में बहक जाए चाल,
का आया तो टल जाएगा, क्यों घबराए दिया कि मेम साहब गेम वार्डन से इश्क फरमा रही हैं। रणवीर, आज मैं गेम वार्डन की मेहमान थी। What a nice guy. Nice guy, my foot. मेहमान थी या उसके साथ रंगरेलिये मना रही थी? रणवीर, what's wrong with you? देखो पिंकी, तुम पे मेरा हक है। खबरदार जो उसने उल्टे सीधे रिश्ते जोड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें एक अच्छी सी सलाह दूं, जानवर और आदमी में फर्क करना सीखो। बाय बाय। मेरे लिए जानवर और इंसान में बस इतना ही फर्क है कि जानवर को मैं जब जी चाहे गोली मार देता हूं और इंसान को काम निकालने के बाद। सर, मैं आपके लिए हजारों जानवर पकड़ सकता हूं, लाखों मार सकता हूं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पिंकी किसी और से मोहब्बत करे। ओहो, तो तुमने मुझे इतनी सी बात के लिए इस जंगल में बुलाया? ये बात तो तुम रेडियो कॉल पे भी कह सकते थे। खैर, अब जो असली बात है वो बताओ। मैं सब कुछ कर सकता हूं। दस्तखत करवाना मुझे आता है, उस अफसर का खात्मा मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन रणवीर घबराओ नहीं, बैठो। थैंक यू। तुम शायद पिंकी के बारे में कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें उसे जीतना होगा। अजी, जब तुम मेरी डैडी से मिलोगे ना, उन्हें बड़ी खुशी होगी, पर जब उनसे मेरा हाथ मांगोगे तो उनकी खुशी की इंतहा ना होगी। अजीत, वो देखो वो जिराफ का बच्चा, लगता है हमारी खुशी में शामिल होने के लिए भागता हुआ शहर तक पहुंचेगा। लो, बैंड वाले तो शुरू हो गए। लीजिए, बाराती भी साथ मिलिए। जिन्हें तुम जानवर कहती हो उनकी ममता भी देख लो, ये सब इसका परिवार है। जब तक इसके सारे बच्चे सड़क पार नहीं कर लेते, ये यूं ही रास्ता रोक के खड़ी रहेगी। How sweet. कितना जज्बा है इनके प्यार में और कितनी ममता। फिर भी लोग इन्हें जानवर कहते हैं। तो कहिए मिस्टर शिकार वाला, आपने मिस्टर वॉटसन को मदर जेब्रा और उसके अजन्मे बच्चे की डमियां जो तोहफे में दी थीं, उससे दुनिया के बड़े बड़े अमीर खानदानों में तहलका मच गया है। आजकल दीवारों पर लटकने वाली ट्रॉफीज का कोई चार्म नहीं रहा, हमें वैसी ही डमियां चाहिए और इसके हमारे पास बहुत से ऑर्डर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे जानवर पकड़ने चाहिए जिनके पेट में तकरीबन बच्चा तैयार हो। पैदाइश से चंद घंटे पहले मां के पेट को चीर कर बच्चे को निकाल लिया जाए। लेकिन घबराइए नहीं मिस्टर शिकार वाला, इस काम को आसान करने के लिए हमने ये गोली इजाद की है। इसको डार्ट कहते हैं। इसको जानवर की एक खास नस पर मारने से जानवर बेहोश हो जाता है और पेट में बच्चे को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता, और इसके अलावा इसकी आवाज बिल्कुल नहीं होती। लेकिन डॉट करने से पहले जानवर को थका देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हांफते हुए जानवर का खून का दौरा बहुत तेज होता है। इस तरह गोली में भरे हुए नशे का असर बहुत जल्द होगा। आप चुप रहिए, शिकार वाला मैं हूं। हां जेंटलमैन, हमें आपका सौदा मंजूर है। कीमत हमारी मुंह मांगी और दमिया आपके पसंद की। आप दुनिया के सबसे बड़े और बूढ़े जिस शेर का अक्सर जिक्र किया करते हैं, वो मेरी पसंद है। और मेरी पसंद है ज़ेब्रा। और मेरी पसंद है गेंडा। एंड आई विल गो फॉर जिराफ। ये है मेरा घर। Where is पा?
बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा। तो पसंद आया तुमको? तुम यहाँ बैठो, मैं भी बुला के लाती हूँ। ओके। हाय डैडी। आगे बेटी। हाँ मेरे साथ अजीत भी आया है। कौन वो गेम वार्डन? हाँ डैडी, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? अरे हमें सब कुछ मालूम होता है कि हमारी बेटी क्या कर रही। ओह डैडी, ही इज अ वंडरफुल मैन, आई लाइक हिम वेरी मच। हमें भी तो देखने दो। आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी डैडी। चलिए चलिए ना। चलो। अजीत, आप है मेरी डैडी और ये है मिस्टर। नमस्ते। हेलो बैठी। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनवा कर लाती हूँ। मिस्टर अजीत, पिंकी मेरी इकलौती बेटी और वो तुमसे प्यार करती है। जी, मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। मेरी करोड़ों की जायदाद है, इंटरनेशनल बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि मेरा दामाद मेरा सारा काम संभाल ले। जी, मैं आपकी बेटी को खुश तो रख सकता हूँ, लेकिन आपके बिजनेस के लिए अपनी जंगल की दुनिया नहीं छोड़ सकता। बेटे, मेरा बिजनेस ही ऐसा है, तुम्हें जंगल नहीं छोड़ना पड़ेगा। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। लगता है तुम इस लैपटॉप की डमी के बारे में कुछ नहीं जानते। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ऐसी डमीज के मेरे शोरूम हैं। इन जानवरों की बदौलत मैंने करोड़ों रुपए की जायदाद इकट्ठी की है। बाज वक्त एक एक डमी की कीमत हजारों लाखों तक पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पर, चंद रोज पहले रणबीर ने कुछ जानवर भेजे थे, उसमें ये लेपर्ड भी थी। अभी इसकी डमी तैयार नहीं हुई थी कि लाख रुपए की ऑफर आ गई। ये रणबीर कौन है? रणबीर वो बहादुर आदमी है जो जान पर खेलकर जानवरों को गोलियों से मार देता है। बेजुबान जानवरों पर गोली चलाने को आप बहादुरी कहते हैं? जानवर तो पैदा ही गोली के लिए हुआ है। इसकी खूबसूरती जंगल में नहीं बल्कि डमी बनाकर घरों में रखने से है, और यही मेरा बिजनेस है। अगर तुम्हें मेरी लड़की का हाथ चाहिए तो तुम्हें मेरे बिजनेस में भी हाथ बटाना होगा। तो आप भी सुन लीजिए, जानवरों के कातिलों को पकड़ना मेरा बिजनेस ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। मैं ये कातिलों की कमाई पर अयाशी के महल तामीर नहीं कर सकता। अगर आपकी यही शर्त है तो मुझे आपकी बेटी का हाथ नहीं चाहिए। क्या हुआ अजीत? पिंकी, तुम्हारे डैडी के ख्यालात और मेरे ख्यालात दरिया के दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते। मेरी जिंदगी जंगल की हसीन वादियों में है और तुम्हारी इन खूबसूरत महलों में। और हां, एक बात और, आज के बाद किसी जानवर पर गोली चलाना तुम्हारे डैडी के हक में अच्छा नहीं होगा। अजीत, अजीत रुको, अजीत। देखिए सर, ये हाथी दांत अपनी जगह पे बिल्कुल सही बैठे हैं। ओह यस, सही बैठे। क्या रणबीर, ये क्या हो रहा है? दुनिया के सबसे बड़े हाथी की डमी बनवा रहा हूँ। सर, ये अहमद की डमी है, बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। रणबीर, ये वो राइफल है जिसमें गोली की बजाय ये नशावर सिरिंज डाली जाती है। ये जानवर के बदन में लगते ही वो मदहोश हो जाएगा। इससे पहले कि वो दोबारा होश में आए, उसे होशियारी से पकड़ लिया जाए। इससे ना तो जंगली ऑफिसर को गोली की आवाज आएगी और ना वो मौके पे आ सकेगा। सबसे बड़ा दिल जिराफ का होता है, इसे थकाना बहुत मुश्किल है। अगर इसे थकाने से पहले डॉट कर दिया जाए तो इससे कई नुकसान हो सकते हैं। पहला डॉट का असर नहीं होगा और इसे जानवर के बस निकलने के बड़े चांसेस हैं। इसलिए हिती, जब तक मैं ना कहूं तुम जिराफ को डॉट मत करना, और डॉट करने के कुछ मिनटों के बाद तुम लोग इसके गले में फंदा डाल देना। ओके बॉस। और तुम जिराफ के इस पुट्ठे पे डॉट करना ताकि नशा हाफते हुए जानवर में एकदम फैल जाए।
वल्चर कॉलिंग सैवेज, कैन यू हियर मी? ये जो तुम्हारे बाएं तरफ भाग रहा है उसे फॉलो करो। ओके बॉस, ओवर। बिल्कुल ठीक है। बेटी, सुना है कि आज भी तुमने कुछ नहीं खाया। काश तुम्हारी मां होती तो ये देखकर उसे कितना दुख होता। कभी आपने उस रानी के बच्चे के बारे में भी सोचा है दादी, जिसकी मां ने आपके बेटी की जान बख्श दी और रणवीर ने अपनी हवस मिटाने के लिए उसे गोली मार दी, और आपने अपनी शान बढ़ाने के लिए उसे बैठक में सजा लिया। इंसान होकर भी कितने जालिम हैं आप, और जानवर होकर कितना रहम से भरपूर दिल था उसका। आज उसी का बच्चा भूखा प्यासा भटक रहा है दादी। हाँ बेटी, याद आया, मिंग कोट है, तुम पर बहुत सजेगा बेटी। ये खाले इंसानों के जिस्मों पर शोभा नहीं देती दादी। दुनिया की वो औरतें जो इन खालों को पहनना अपनी शान समझती हैं, काश ये समझ पाती कि ये सिर्फ उन्ही जिस्मों पर अच्छी लगती है जिनके लिए भगवान ने बनाया है इन्हें। बेटी तुम भूलती हो, ये शानदार बंगले, ये उमदा से उमदा कारें, ये ऐशो आराम का सामान सब इन खालों की बदौलत है। मुझे जानवरों के खून से तामीर की भी हर चीज से नफरत हो गई है, और उस ब्लडी रणवीर से भी। तुम्हें उसे ब्लडी कहने का कोई हक नहीं। उसका भी मुझ पर कोई हक नहीं। शट अप, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। जी नहीं, मैं हद पार कर चुकी हूँ। मैं उस दुनिया में पहुँच चुकी हूँ जहाँ जीत जैसा नेक इंसान जंगल के अनमोल गहनों को बचा रहा है। अब अजीत की दुनिया ही मेरी दुनिया है। अजीत जानवरों को मरने नहीं देता, और हम जानवरों को जिंदा नहीं छोड़ते। तुम हमारी बेटी होकर
उससे प्यार करती हूं। बेटी, कभी तुमने सोचा है कि मछली और परिंदे में प्यार हो जाए तो घर कहां बनाएंगे, पानी में या दरख्त पर? प्यार करने वाले घरों का नहीं मंजिल का सोचा करते हैं दादी। अरे नाग देवता, आप और कांटों में फंस गए, चलो मैं निकाले देता हूँ। जय हो नाग देवता की। ले, मैं तेरे लिए दूध लाया हूँ। तू बहुत प्यारा है रे। चल अब तू अपनी माँ का इंतजार कर, मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय। ईगल कॉलिंग, ईगल कॉलिंग, कैन यू हेयर मी लाउड एंड क्लियर? रणबीर, पिंकी मुझसे खफा होकर चली गई। अगर वो गेम वार्डन के घर जाए तो तुम गुस्से पर काबू रखना। ओके सर। ओवर एंड आउट। इसका मतलब यह हुआ कि पानी सर से गुजरने लगा है। विक्की, दीदी, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे मामा कहाँ है? मामा तो ड्यूटी पे गए हैं, शाम को आएंगे। बिना इनके तुम्हारा दिल नहीं लगता? अगर तुम भी इनसे प्यार करोगे ना तो ये भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। अच्छा, तो तुम ये इतना चाहते हैं? हाँ। चलो। लो मामा। हेलो जी। हेलो। कैसे हो? ठीक मामा। लेपर्ड के बच्चे की माँ आज भी नहीं आई, मैं उसे दूध पिला के आया हूँ। बेटे, अब उसकी माँ कभी नहीं आएगी। क्यों? जब तक ये खुदगर्ज लोग पैसों की खातिर जानवरों की खालें उधेड़ उधेड़ कर बेचते रहेंगे, तब तक कैसे हजारों मासूम अपनी माँ के दूध के बगैर भटक भटक कर मरते रहेंगे? अगर मैं पैसों की खातिर जिंदा होती तो अपना घर अपनी दौलत छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आती। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है? ओह शट अप। क्यों, सच्ची बात कड़वी लगती है? तुम्हें सच और झूठ की तमीज भी है? जी हाँ, झूठ यह है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और सच यह है कि तुम मुझे अपने जाल में फंसा कर जानवरों पर हाथ साफ करना चाहती हो, जैसे रानी को मार डाला। अजीत, रानी ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुमने उसकी जान ले ली। ये झूठ है अजीत, मैंने रानी की जान नहीं ली। तुम्हारी वजह से उसकी जान गई है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें धोखा देकर किसी की जान लेना तो एक तरफ रहा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये झूठ है, फ्रेब है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर फिर भी तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो यू एंड योर एनिमल्स गो टू हेल। विक्की, विक्की क्या हुआ? विक्की बोलो ना। विक्की, विक्की, विक्की जाओ ना अंदर से पानी लेके आओ। कोरोमिन लेके आओ। क्यों मामा, कैसा रहा रामा? विक्की बोलो ना क्या हुआ। चल बोल ही दे विक्की। बोल दो। हाँ हाँ बोल दो। वाह मेरा सर, इस हसीन मौसम में इंसान लड़ रहे हैं और जानवर प्यार कर रहे हैं। जय जानवर। प्यारा लगे रात और दिन, को ये मिलन प्यार की राहों का प्यारा।
सफल भागने में तेज से तेज घोड़ा मुकाबला नहीं कर सकता। ये जानवर बहुत तेजी से मोड़ खाता है, तुम लोग बहुत सावधानी से पीछा करना वरना गाड़ी के चारों पहिए ऊपर हो जाएंगे। इसके सर की और गाल की लकीरें बिल्कुल सही हैं। जाहिर है इसके पेट में बच्चा भी उतना ही खूबसूरत होगा। ओवर। हमने उस पर काबू पा लिया है। ओवर एंड आउट। खींचो खींचो खींचो।
चलो दूध पी लो। अरे अरे आहिस्ता आराम से, दैट्स द वे। अरे तो इसका दूध। मामा इस बेचारे की भी माँ नहीं आई। तो इस बेचारे की माँ भी। चल यार आज अपना उपवास ही सही, जो बांट कर खाने में मजा है वो अकेले में नहीं। विक्की तुम अपने दोस्त से कह दो कि अगर इसकी माँ जिंदा है तो इनको मिलवाकर ही दम लूंगा। अरे ये गेम वार्डन यहां भी, चलो बॉस को बताएं। अफसर तुम ये क्या कर रहे हो? इन्हें पकड़ने का लाइसेंस मेरे पास है। चलो चलो बाहर, चल बाहर, चलो कम ऑन आउट, चलो 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 चलो। हाँ तो तुम लाइसेंस की बात कर रहे थे, लाइए दिखाइए कहाँ है लाइसेंस। वो दरअसल शिपमेंट के लिए जो जानवर भेजे हैं उनके साथ है। मिस्टर रणबीर तुम्हारे पास लाइसेंस क्या होगा? मेरे पास उसकी कॉपी ऑलरेडी आ चुकी है। लाइसेंस के मुताबिक जिस चिड़ियाघर के लिए जितने जानवर पकड़ने की इजाजत थी उनकी शिपमेंट मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ऑलरेडी हो चुकी है। ये जानवर किसने पकड़े और यहां पर कैसे आए इसकी तफ्तीश मैं कर रहा हूं। आप जी भर के तफ्तीश कर लीजिए अफसर, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनहगार कौन है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन अब तुम मेरे हाथ से ज्यादा दिन बच नहीं सकते। अरे ये क्या हुआ रे? बाय बाय विक्की। बाय बाय मामा। चल यार तब तक सो ही लेते। पिंकी ये देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा और बूढ़ा शेर है। अच्छा, जब से किसी ने इस बेचारे की शेरनी को मार डाला तब से यही बैठा रहता है और अपने बच्चों को पालता है। कल हम दुनिया के सबसे बड़े और बूढ़े शेर को पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन उस जंगली ऑफिसर ने चारों तरफ काफी नाकाबंदी कर रखी है। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, हम उस साले को हेलीकॉप्टर से उठाकर ले आएंगे। हितेश यस सर, तुम उसे डबल डोज दे देना ताकि उसे उठने का मौका ही ना मिले। हम शेरों के इलाके में आ गए हैं, जरा होशियारी से काम लेना। वो बूढ़ा शेर आपके हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नीचे ही है ना? अरे कमबख्त तो ये नहीं, वो तुम्हारे दाएं तरफ झाड़ के पास बैठा हुआ है। इतनी डॉट चेक करो, डबल डोज देना है। शाबाश, निशाना बिल्कुल ठीक बैठा है। शाह जी को जाल दो और शेर को उठाकर जल्दी से इस इलाके से निकल चलो।
बीमार है, इसे मेरे मामा के पास ले चलो, वो इसका इलाज कर देंगे। इलाज तो इसका परमानेंट हो गया बच्चू, क्या खूबसूरत डमी बनेगी इसकी। चल हट। इस बिचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। छोड़ दो इसे, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। गन है, इडियट। चलो, आपके तो छोड़ देती हूं, आइंदा जानवरों पे गोली चलाने की कोशिश भी मत करना। बॉस, आपकी बेटी सिर्फ उससे इश्क ही नहीं फरमा रही, बल्कि हमारे शिकारियों को डरा धमका कर जानवर मारने से रोक भी रही है। आपने सारा पैसा पिंकी के नाम पर जमा कर रखा है, अब वो बालिग है और उस जंगली अफसर की चांदी ही चांदी है। रणबीर, तुम जोश में बोल रहे हो, ऐसे नाजुक मामले डिप्लोमेसी से सुलझाए जा सकते हैं। पिंकी मेरी बेटी, उसे रास्ते पर लाना मेरा फर्ज। मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, सो कर दिया, लेकिन एक बात और याद रखिएगा। शायद तुम ये कहना चाहते हो कि सारे के सारे जंगल में हमारा राज फाश हो गया। तब तो आप बखूबी जानते हैं कि आपका गेंडे पकड़ने का मिशन कामयाब नहीं हो सकता। हमारा गेंडा पकड़ने का मिशन हर हालत में कामयाब होगा, नहीं तो मिस्टर वाटसन हमें कुत्तों से निचवा देगा। जिस भाड़ा गेंडे की हम तलाश में है वो उस पर मैदान में है। अच्छा, हाँ तो सुनो, जिस मादा गेंडे के शिकार में हम लोग जा रहे हैं वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो हमसे मुकाबला करने के बजाय घने जंगल में भागने की कोशिश करेगी। तुम लोग उसे खुले मैदान में घेरे रखना, ओके? लेकिन बॉस, एक सजेशन है। बोलो। जिस वक्त भी वो हम पे वार करेगी उसका ध्यान बटाने के लिए आपको अपना हेलीकॉप्टर बहुत नजदीक लाना पड़ेगा। लेकिन इस हालत में वो आपके लिए उतनी ही खतरनाक है हवा में जितनी हमारे लिए जमीन पर। वो मैं देख लूंगा। चुप। बॉस, देख रहे हैं वो सामने गेंडे का क्या शानदार जोड़ा जा रहा है। आपके हेलीकॉप्टर के बिल्कुल ठीक नीचे सर। मैं मादा को अलग करने जा रहा हूं, तुम तैयार रहो।
मारे मारे गए यार। ओह बच गए यार। इडियट्स, तुम लोग इसी तरह एक दूसरे का मुंह देखते रहे तो वो तुम्हारी माँ भी बाल बाल बच जाएगी। तो बेटा मैं कह रहा था जा बेटा, तेरे अंकल को बहुत भूख लगी है, ढेर से खाने का इंतजाम कर। अच्छा अंकल। हाँ 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 चल। उसी महजबी दिल नशी, घबराओ नहीं, आजा मेरे पीछे, आजा आजा नजदीक आजा। हाय हाय शेरा। सर ये सब क्या हो रहा है? शेरा के बच्चे ऑफिस में तो ये सब करता ही था, अब यहां भी हैं? चलो चलो बाहर। That's a good boy. कुत्ता, बेजुबानों को मारते हो, मासूमों को मारते हो, सारे शिकारी कहलाते हो। तुम में से अगर किसी ने भागने की कोशिश की ना तो इस भुट्टे की तरह चुआ जाऊंगा। सर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपनी पपी दारी पीपी ना बोल बेरी, पीपी ना बोल रे ए? चाबी लाओ, निकालो चाबी। खोलो इनको। उठा
थे साले छुड़वाने के लिए। उठो उठो लाइन लगाओ। तरफ 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 अब ये दख्त उठाओ। चली करो कभी जाओ। तारा शेर मोहम्मद से फिरते हो। उठाओ तरफ कोई भागा गोली मार दूंगा। चलो अंदर घुसो। चलो कौन है बुजदिल सामने आ। अल्लाह 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह अश्हादु अल्लाह अल्लाह। ये तो अपने प्लान के मुताबिक यहाँ पर आ पहुंचा। चलो उसके घर की धज्जियां उड़ा दें। शेरा शेरा नहीं शेरा, तू शेर था और शेर की मौत ही मरा। हरामजादी अपने आशिक के घर रहने लगी। हमें भी खूबसूरत लगती हो। जबान संभाल कर बात करो मिस्टर। खबरदार तो मेरी दीदी को हाथ लगा दो। पकड़ लो साहब के बच्चे को। शाजी जानवरों के तमाम बच्चों को पकड़कर लोड कर लो और जितने प्यार से इन्होंने उन्हें पाला है उतने ही प्यार से हम उनकी डमियां बनाएंगे। ओके सर। सर हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपने भांजे की जान चाहिए तो फौरन हमारे कैंप पर पहुंच जाओ। पिंकी तो आ गए मिस्टर अजीता। इतना बड़ा जाल फेंके बिना तुम काबू में नहीं आते। विकी कहाँ है? वो भी मिल जाएगा लेकिन पहले तुम वो करो जो हम चाहते हैं। पिंकी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? वो तुम्हारी एक भूल थी और मेरी एक चाल। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो मजबूरन मुझे सब कुछ करना पड़ा। आइए साहब आप ही का इंतजार था। ये कुछ कागजात हैं, इन पे दस्तखत कर दीजिए। ना तुम्हें तकलीफ हो और ना हमें। इनका मतलब है जियो और जीने दो। क्यों कुत्ते? तुम इस पेपर पर साइन करने से इनकार करते हो। तुम्हें इस लौंडे की जानकारी नहीं है। ले जाओ इस हरामजादे को। दस्तखत मत करना नहीं तो ये सब जानवर मर जाएंगे। मारो मारो साले को। Thank you.
अब तुम सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो भाग गया, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। वो मगरमच्छों के फंदे लगा दिए। जी हाँ। बहुत अच्छे, अब जरा संभल कर। बस शुक्रिया इप्पो दादा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुझे माफ कर देना जीत, आज मैंने जो कुछ भी कहा अगर नहीं कहती तो वो तुम्हें और विक्की को गोलियों से छलनी कर देते। तुम यहां से जल्दी निकल जाओ। विक्की, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी फिक्र मत करो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। और फिर यहाँ विक्की भी तो है। विक्की यहाँ से जा चुका है, वो जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्ते खूब जानता है। आखिर तुम्हारा दस्तखत करने में जाता ही क्या है, एक कलम ही तो घुमानी है। कलम तो इसके फरिश्ते भी घुमाएंगे। दस्तखत कर दिए? दस्तखत तो नहीं किए बॉस, लेकिन भागते वक्त मैंने उसे गोली मार दी, वो दरिया में गिर गया। अब तक तो मगरमच्छ ने उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ी होंगी। ओवर। बेवकूफ, तुझे इतना भी पता नहीं कि सब जानवर उसके दोस्त हैं? उसके भाग जाने से और भी खतरा बढ़ गया। तुम पिंकी को लेकर फौरन हेल्स गेट पे पहुंच जाओ। बेहतर है बॉस, मैं कल सुबह हेलीकॉप्टर के साथ हेल्स गेट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा और वहीं बताऊंगा कि क्या करना है। Over and out.
जल्दी लोड करो। ओके। हरे अब टाइम बहुत कम है। इन्हें प्यार दे के तो देखो जरा तुम, ये तुमसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार देंगे। कभी कोई आफत जो आएगी तुम पे तो ये बेजुबान के अंदर मोहब्बत खुदा की। जुदा ना करो चढ़ती सांस जिस्म से। क्यों तुम्हारे आशिक की याद ने अब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा? हाथ की रस्सी खोल कर गले में पहना दी। ये मत भूलो रणबीर कि जल्लादों को भी एक दिन मरना होता है। जान पर खेलकर जानवर हम पकड़े, पैसा तुम्हारे नाम पर जमा हो और ऐश वो पट्टा करे। जान पर तुम क्या खेलोगे बुस्ते? जान पर खेलकर जानवरों की जान तो वो बचाता है, और ऐसे आशिक के लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। अपना हिसाब तो चुकता कर लिया, अब वो मेरा शिकार है। तुम जाओ। शाबाश।
वरना गोली से उड़ा दूंगा। नहीं दादी, ऐसा मत कीजिए। इन्हें मत मारिए दादी, इन्हें मत मारिए। खबरदार, मैंने तुझे पहले ही कहा था, इसको भी ठिकाने लगा दो जैसे इसके भनोई को लगाया। दौलत इकट्ठी की, मगर आज ये सारी दौलत देकर भी मैं अपनी जगह मरने के लिए किसी और को भाड़े पर नहीं ला सकता। अब ये दौलत जानवरों की भलाई के लिए खर्च कर देना। खेलेगा